ऐसे लग रहा है जैसे एंटार्क्टिका है या अलास्का है। ओ भाई ये तो वो आगे से सुहेल आगे से नीचे वो सारी फॉल है और हर तरफ धुंध है, कुछ नजर नहीं आ रहा। ये मीयर ग्लेशियर है जो मीयर पीक से आ रहा है, और फिर ये जो लेफ्ट साइड वाला है इन्हें ऐसे तोड़ना है। और जो नमाज पढ़ने की जगह है वो ये है इस पत्थर के ऊपर। अब हम यहाँ पे पानी ढूंढ रहे हैं। बस जी हमारी पैकिंग हो गई है और हम यहाँ से निकलने लगे हैं। चलिए बिस्मिल्लाह। ये अभी आप देख लें इस तरह के रास्ते पे चल रहे हैं, नीचे वो सारी फॉल है और हर तरफ धुंध है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। खैर जैसे जैसे नीचे उतरेंगे मौसम साफ होता जाएगा, इसलिए हम जल्दी जल्दी नीचे उतर रहे हैं। ये मीयर ग्लेशियर है जो मीयर पीक से आ रहा है, और फिर ये जो लेफ्ट साइड वाला है ये भरपू ग्लेशियर है, और हमने नीचे उतरना है इसी ग्लेशियर को क्रॉस करने। बिस्मिल्लाह चलें जी। और ये आज की उतराई चेक करें, ये भी काफ़ी स्टीप है, हमने वो नीचे तक जाना है आज इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। काफ़ी स्टीप है, ऐसे ही करने की तरह निकलने या चूस के फेंक देना है तो इधर। अपनी जुबान में ये लोग इसे कहते हैं चोटल, चोटल। ये गन्ने की तरह आप कह लें, इसे आपने ऐसे तोड़ना है चूस के फिर फेंक देना है। इसका टेस्ट है खट्टा मीठा, आप कह लें मौसम के शुरू में जो होते हैं ना किन्नू उन जैसा, और मज़ेदार है टोटल। अभी हम रास्ते में मिडवे स्टॉप के लिए रुके हैं थोड़ी सी रेस्ट के लिए, और इसलिए भी कि वो लोग साथ मिल जाएं क्योंकि वो काफ़ी पीछे रह गए हैं, तो उनका वेट कर रहे हैं। और नीचे पहुंच के तकरीबन हमने यहाँ से किसी जगह से नीचे उतरना है, और फिर साथ साथ इधर जाके इस पहाड़ के पीछे से हमने ग्लेशियर क्रॉस करना है। अगर आप लोगों ने पिछले पार्ट्स देखे हैं इसी सीरीज़ के तो आपको अंदाज़ा होगा कि ग्लेशियर क्रॉस करना कितना चैलेंजिंग और एक रिस्की काम है, तो डोंट मिस दिस ग्लेशियर क्रॉसिंग। सही है, क्योंकि इसमें हम मीयर ग्लेशियर को भी, यानी वो जो मीयर, वो जो वाइट वाला आ रहा है ऊपर से, और ये जो ब्लैक वाला है भरपूर ग्लेशियर, हम इन दोनों को क्रॉस करेंगे आज इंशाल्लाह। यार ये हमने 12:30 बजे ट्रैक शुरू किया था और अभी 3:30 हो गए हैं, यानी कि 3 घंटे हो गए हैं, और अभी भी मुसलसल वही स्टीप उतराई है। रो ग्लेशियर देखें अभी भी कितना दूर है हमसे जितना पहले था। मेरा ख्याल है अभी 1.5 घंटा और लगेगा इस उतराई में, उसके बाद फिर ग्लेशियर क्रॉस करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम नीचे तो उतर आए हैं तकरीबन 3:30 घंटे में। कभी आपने सोचा है या अंदाज़ा लगाया है वो सामने ग्लेशियर है, बल्कि वो अभी छोटा पहाड़। मैं आपको एक और दिखाता हूँ अगर बादल ना हुए तो, वो देखें ज़रा बर्फ़ से भरा हुआ पहाड़, और ये जो पीछे दीवार है ये भी बिल्कुल सामने वाली, इसके उस तरफ एक प्रॉपर ग्लेशियर है भरपूर ग्लेशियर, वो चल रहा है, लेकिन उसके इस साइड पे पानी नहीं है, ये सारे नाले खुश्क पड़े हुए हैं। देखें अब हम यहाँ पे पानी ढूंढ रहे हैं। तो एक और चीज़, अगर आप ये ट्रैक करना चाहते हैं तो इस ट्रैक में कई ऐसे पैचेस हैं जिनमें पानी अवेलेबल नहीं है 3-3, 4-4, 5-5 घंटे के लिए, तो बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर साथ लेके जा सकते हो। ये नहीं कि आप वो 19 लीटर वाली गोरमे वाली बोतल ले जाओगे, आपको आप मैक्सिमम 1.5 लीटर ले जाओगे या 2.5 लीटर ले जाओगे, दैट्स इट।
बाकी फिर आपको स्टार्ट करना पड़ना है। यहाँ क्योंकि पानी नहीं है तो मैं और फिदा भाई हम लोग आगे जा रहे हैं पानी ढूंढने, क्योंकि बाकी लोग इधर रुकेंगे ताकि सब लोग इकट्ठे हो जाएं, फिर वो साथ साथ आएंगे। हम आगे जाके देखते हैं कैसे क्या सूरत हाल है। ये देखें सब खुश्क पड़ा है, और ये वो जो दीवार है मिट्टी वाली, ये वाली बिल्कुल इसके उस तरफ ग्लेशियर चल रहा है। हम लोग चल के काफ़ी आगे आ गए, लेकिन अभी भी कहीं को पानी नहीं मिला, हर तरफ खुश्की ही खुश्की है। ये देखें ये पानी तो हमें मिल गया, लेकिन आज तक कभी मुझे इतनी मुश्किल नहीं हुई पानी ढूंढने में। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वही ग्लेशियर है जिसे हमने क्रॉस करना था बेसिकली। तो वो जो तकरीबन ग्रीन पैच है ना, वहाँ पे हम उतरे थे, और वहाँ से ऑल द वे आगे फर्दर आधा पौना घंटा ट्रैक करके फिर वही जो मिट्टी की दीवार थी क्रॉस करके इस साइड पे ग्लेशियर वाली साइड पे उतरे हैं, और फिर वहाँ से हादी भाई पानी लेके आ रहे हैं। अभी यहाँ से नज़र नहीं आ रहे, आते हैं तो मैं दिखाता हूँ किस जगह पे हैं। हादी भाई वहाँ से जाके लेके पानी आए हैं वज़ू के लिए, अल्लाह इन्हें जजाए खैर दे। अब बस वज़ू करते हैं और जोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, क्योंकि जोहर का टाइम थोड़ा रह गया है। और जो नमाज़ पढ़ने की जगह है वो ये है इस पत्थर के ऊपर, और अभी मैंने फिगर आउट करना है कि इसके ऊपर कैसे जाना है, मेरे ख्याल ये रास्ता है। चेक करें यार, मतलब नमाज के लिए भी ये वाकई बहुत नैरो सी रेंज है। ये कैमरा आपको जितनी दिखा रहे हैं ये उतनी ही नैरो है, और मुझे चल के जाना पड़ रहा है नमाज पढ़ने। अल्लाह अकबर, नमाज कभी भी इतनी मुश्किल नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया हूँ। अब बस वजू करके नमाज़ पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ ली मैंने इसी पत्थर के ऊपर, और वलीद इसहाक भाई ने क्रॉसिंग शुरू कर दी ग्लेशियर की। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हादी और सुहेल मेरा वेट कर रहे हैं, और वो तकरीबन सेंटर में, वो जो एक स्क्वेयर से आपको फिगर नज़र आ रहे हैं सेंटर में, उसके थोड़ा ऊपर देखें आपको दो बंदे चलते हुए दिखाई देंगे, ये ग्लेशियर क्रॉस कर रहे हैं। इससे आपको स्केल का अंदाज़ा हुआ कि कितना बड़ा होता है ग्लेशियर। अभी हमने भी यही क्रॉस करना है जी। हम ग्लेशियर पे उतर चुके हैं, और ये अभी ये जो कीचड़ नुमा है बेसिकली ये बर्फ़ और मिट्टी आपस में मेल्ट हुए हैं, तो उसको हम क्रॉस कर रहे हैं। वो सामने हादी भाई जा रहे हैं थोड़ा फासले पे। बिस्मिल्लाह, ये ऊपर से ग्लेशियर के साथ आए हैं। चलें जी, वो वहाँ से हम आए थे, मेरा ख्याल है हमने आधे से थोड़ा कम फासला तय कर लिया। वो उसकी गहराई चेक करें ग्लेशियर की, कितने सुहेल भाई आधे घंटे में, हाँ सुहेल भाई कह रहे थे इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे हम आधे घंटे में क्रॉस कर लेंगे। तो अभी तो शायद 10 मिनट ही हूँ मैं, तो अभी बाकी 20 मिनट बाकी हैं ग्लेशियर क्रॉस करने में। वो देखिए ज़रा, मेरा ख्याल है हमने तकरीबन आधा ग्लेशियर क्रॉस कर लिया है, और अभी मुझे इससे भी अंदाज़ा लगा रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत ऊंचे ऊंचे हमारे आसपास ना ये पहाड़ आ गए हैं बर्फ़ के और ये पत्थर वाले, और जो खाइयाँ हैं वो बहुत गहरी हैं, उससे अंदाज़ा हो रहा है कि हम शायद ग्लेशियर के सेंटर में हैं। तो आधा कर लिए, बाकी आधा रहता है। वो चेक करें कितनी गहराई में हम, इस तरफ जाना है, हाँ इस तरफ चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ने ग्लेशियर क्रॉस कर लिया, वो पीछे रह गया ग्लेशियर, लेकिन आगे एक और बड़ा चैलेंज है। ये बर्फ़ वाला ग्लेशियर ऐसे लग रहा है जैसे एंटार्क्टिका है या अलास्का है, ये बेसिकली वो मेयर पीक है उसका ग्लेशियर है। तो
तो अभी हम भरपू ग्लेशियर पे खड़े हैं, वो वहाँ से हमने क्रॉस किया था, ठीक है। और बैक साइड पे है, ये है मियर ग्लेशियर। अब हमने सारा बर्फ़ वाला क्रॉस करना है, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। ये बस इसका स्केल चेक करें ज़रा, वो बिल्कुल सेंटर में आपको दो लोग नज़र आ रहे होंगे, वो हैं वलीद और इसहाक भाई। और अभी हमने यहाँ से उतरना शुरू करना है, ठीक है, बस फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह, मैं कोशिश करूँगा जहाँ जहाँ सेफ पॉइंट हो वहाँ पे वीडियो बना लूँ, पर ये रिस्की है इसलिए वीडियो शायद कम हो। ग्लेशियर क्रॉस करना तो बात की बात है, ग्लेशियर तक पहुँचना भी एक चैलेंज नज़र आ रहा है ना। वो देखें उतराई चेक करें ज़रा, बिल्कुल स्टीप है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये एक प्रमोशनल मैसेज है और अगर आप नहीं देखना चाहते तो आप इस वीडियो को 40 सेकंड फास्ट फॉरवर्ड कर लें। मेरा नाम है अदनान और मेरा मिशन है कि मैं ट्रैकिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ का एक रॉ, प्योर और अनफिल्टर्ड एक्सपीरियंस आप लोगों तक पहुंचाऊं। और अगर मैं अपनी इस कोशिश में कामयाब हुआ हूं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं इंशाल्लाह अनकरीब एक नया ट्रिप पर जा रहा हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कोई स्पेसिफिक एरिया या एक्टिविटी कवर करूँ तो कमेंट्स के जरिए मुझे अपनी राय से जरूर आगाह करें, शुक्रिया। सारा स्लिपरी है ये, इसको ऐसे ही उतरना पड़ना है। और ये भी खतरा है कि पीछे से कोई ना रॉक आके लग जाए। पानी का शोर सुनाई दे रहा है जैसे जैसे हम नजदीक आ रहे हैं। ये देखें यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और ये चेक करें, ये पूरी स्टिक पता नहीं नीचे कहाँ तक है, ये कितना गहरा है कोई पता नहीं, इसलिए हमेशा गाइड के साथ जाएं, अल्लाह खैर करे। ओह भाई ये तो अल्लाह अकबर, लेट्स गो। क्या क्या उधर पत्थर पड़ा हुआ था, हमें लगा शायद मछली है। चल चेक करो, ये बड़ा पत्ता जाएगा। ये देखो अभी तक नीचे जा रहा है। ये कैसे पता लगा कि अभी तक जा रहा है? ये देखो ये घुमा रहे हैं। अच्छा बुलबुले अभी तक नीचे आया जा रहा है, अभी तक नीचे जा रहा है। ये देखो पत्ता भी टूट, जब बुलबुले खत्म हो गए इसका मतलब तब वो नीचे पहुंचा है। ये चेक करें, और वो भरपू ग्लेशियर उस साइड पे। चलें जी आगे चलें। ये भी ये लाइनें देखें ऐसे जैसे किसी ने फुट्टे से लगाई हुई है, वो वहां तक। यार ये चेक करें आप, ओ देख ग्लेशियल स्ट्रीम। हाँ वो वहां से क्रॉस करनी है हमने। मैं आपको पहले उसका व्यू दे दूं, वो देखें आपको पता चल रहा है। ज्यादा पास नहीं जा सकता क्योंकि रिस्की है, तो यहीं से आप देखें। कहाँ से क्रॉस करना है? उधर से, उधर से, वो आगे से, सुहेल आगे से। फ्लो चेक करें। इतने
टफ टाइम के बावजूद ये ग्लेशियर अभी आता भी नहीं हुआ मेरा ख्याल है। वो देखें बैक साइड पे, ये वो है जो हमने अभी कवर करना है ना, हो गया आधा। चल तो अच्छी बात है, अलहमदिल्ला आधा हो गया। बहुत ठंड है, मतलब इस चीज़ को ना अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है, बल्कि समझ से बाहर है कि थोड़ी देर पहले तकरीबन घंटा पहले जब हम उधर मौजूद थे चढ़ाई के बाद, उतराई के बाद हमें वजू तक के लिए पानी नहीं था मिल रहा। हम तकरीबन घंटा चले और पानी नहीं मिला, लेकिन उसी मिट्टी की दीवार के इस साइड पर इतना पानी है, इतना पानी है। ओह अल्लाह अकबर, यारी आधा तो नहीं हुआ सवेल। अच्छा और एक और क्रॉसिंग है, फिर पानी क्रॉस करना है। ओए चलो, ये वैसे कम लग रहा है उससे, है ना, कि ज्यादा है बस सर। बिस्मिल्लाह, ये चेक करें इसका कलर चेंज है, इसके नीचे से पानी जा रहा है ऊपर ऐसे, ये देखिए ऊपर बर्फ है लेकिन नीचे से पानी जा रहा है इसके। ग्लेशियर को ट्रेवर्स करना, एक तो इसके रिस्क है ना इंजरी के या चोट लगने के, उसके अलावा जो क्रॉस करना चैलेंजिंग है, तो जैसे कि इसमें रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर तरफ आप देखें एक तरह की पहाड़ियाँ, वही पत्थर, बर्फ़, मिट्टी, वही टीले, तो रास्ता एक तो ढूंढना मुश्किल होता है, सेकेंडली अगर कोई रास्ता आपको मिल भी जाए तो वो परमानेंट नहीं होता क्योंकि ग्लेशियर कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, तो वो रास्ता या तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है या उसमें से कुछ हिस्से उसके तबाह हो जाते हैं। मुझे लगा था कि आधे एक घंटे में ग्लेशियर क्रॉस कर लेंगे, लेकिन अभी भी अच्छा खासा ग्लेशियर बाकी है। और अब सर्दी से ना कानों में दर्द होना शुरू हो गई है। मेरे पास थी जैकेट, कैप और ट्राउज़र, लेकिन मैंने नहीं पहना कि यार दूसरी साइड पे निकल के फिर गर्मी है, पर आधे पौने घंटे की बात है, लेकिन ये तो ग्लेशियर ख़त्म होने को ही नहीं आ रहा। वो देख भी अच्छा खासा बाकी ग्लेशियर। ये देखिए कितना साफ पानी आ रहा है, सही है, सही बंद हो गई। जज़ाकअल्लाह, चलें जी। ग्लेशियर बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, वो देखें सामने और पहाड़ नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब हमें रास्ता ढूंढने में मसला हो रहा है कि हमने किधर से जाना है। इंशाल्लाह निकलेंगे, खैर करें। हम अभी भी ग्लेशियर पर ही हैं, लेकिन हम स्नो वाले हिस्से से निकल के जो रॉक की हिस्सा ने इस पे आ गए हैं, वो सारा वो बर्फ़ वाला हिस्सा है जो हमने क्रॉस किया था, अब हम ये मिट्टी पत्थर इस वाले हिस्से पे आ गए हैं। ग्लेशियर तो अभी भी बाकी है, लेकिन वो जो सर्दी थी और वो स्लिपरी थी वो ख़त्म हो गई, अब आगे चलते हैं। ग्लेशियर से उतर आए हैं मुकम्मल तौर पे। मैंने ये जैकेट, टोपी, हल्की हल्की कनियाँ पड़ना शुरू हो गई हैं। यार ये यहाँ से व्यू चेक करें और वो करीब ऐसे चेक करें, ये व्यू इतना ज़बरदस्त है कि
बंदा रेजिस्ट नहीं कर सकता। हम कोशिश कर रहे हैं कि अंधेरा होने से पहले पहले हम हापाकून गांव पहुंच जाएं। अगर कहीं रास्ते में मौका मिला तो आपको स्टेटस अपडेट दे दूंगा। और एक टॉर्च है, फिर बाकी दो फ़ोन की लाइट यूज़ करनी पड़ेगी। ये ग्लेशियर का आखिरी व्यू और वो पीक्स। हाँ, लेट्स गो।